ओम नमः शिवाय, प्रणाम। आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। आज बात करेंगे फाल्गुनी अमावस्या पर। फाल्गुनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है, जो शास्त्रों पुराणों के अनुसार भी होता है, बहुत खास महत्व होता है। और फाल्गुन महीने का साधना तर्पण इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। कोई भी अगर आप साधना क्रियाएँ मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो फाल्गुन महीने में आप कर सकते हैं। होली की रात्रि में है, फाल्गुन महीने की अमावस्या है, तो इन दिनों में काफ़ी ही ज़्यादा प्रभाव रहता है और वो शक्तियाँ जल्दी अपने से कनेक्ट होती है और सिद्धियाँ होती हैं। आज अपनी अमावस्या शुरुआत हो रही है, तो आज कब से हो रही है शुरुआत मैं आपको बता दूं कि अमावस्या की शुरुआत हो रही है 19 फरवरी को शाम के 4:18 से, और इसकी समाप्ति का दिन है वो है 20 फरवरी में दोपहर के 12:35 पर। अब कैलेंडर में जो दे रखा है 20 फरवरी का दिन दे रखा है, तो मैं आपको इससे पूरा जानकारी दे रहा हूँ कि आप 20 फरवरी के भरोसे ना रहें, क्योंकि 20 फरवरी में दोपहर के 12:35 तक ही अमावस्या है। आप अमावस्या सोच के 20 फरवरी की रात्रि में अगर कोई साधना कर रहे हैं, उनके शाम में कोई तर्पण क्रियाएँ कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी मतलब अमावस्या से नहीं जुड़ेगा वो दिन। इसलिए आप ऐसी कोई साधनाएं करना चाहते हैं या कोई तर्पण मार्जन क्रियाएं करना चाहते हैं, तो आप रविवार की रात्रि यानी 19 फरवरी की शाम से ही शुरुआत करते बेहतर रहेगा, क्योंकि रात्रि में जो 19 फरवरी की रात्रि है वही अमावस्या की फुल रात्रि है, 20 फरवरी की नहीं है। 20 फरवरी का दोपहर में 12:35 तक ही है, उसके बाद में जो प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष की फाल्गुनी लग जाएगी। तो आप अमावस्या का विशेष ध्यान दें। इस दिन कई सारे तर्पण क्रियाएं करते हैं लोग, कई अपने हिंदू धर्म में जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो इस मास में अमावस्या का बहुत विशेष महत्व माने जाता है। इसमें दान तर्पण क्रियाएं करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं। तो मेरा आज के वीडियो में बताने का यही महत्व था कि अमावस्या आज है, जो कि 19 फरवरी को है, और आज शाम को 4 से शुरुआत हो जाएगी। आप अपनी क्रियाएँ करें और अपने श्रद्धा भाव के अनुसार जो भी साधनाएँ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।